नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह शिंदे गट आणि भाजपावर जोरदार टीका केलेली आहे। फडणवीसांनी महाराष्ट्राच्या जनतेसोबत गद्दारी केलेली आहे, यावर्षी इतिहास लिहिला जाईल असं प्रियंका चतुर्वेदी यांनी म्हटलेलं आहे। त्यांच्याशी याच संदर्भात संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी निलेश बुधावले यांनी। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आज दोन उमेदवार आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत, आणि यासाठी राज्यसभेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी देखील आता या परिसरात दाखल झालेले आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्यानं महाराष्ट्रामध्ये सभा घेत आहेत, काय वाटतं तुमचं काय याबद्दल? मत ये डर अच्छा है क्योंकि ये डर से ही ये सारे दाग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हटने जा रहे हैं, क्योंकि जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। आने वाले 4 जून को महाविकास अघाड़ी ही विजयी नहीं होगा, इंडिया अलायंस विजयी होगा, हमारी सरकार बनेगी, फिर से न्याय होगा। शिवसेनेचा रेफरन्स देत आज देवेंद्र फडणवीसांनी माढा लोकसभा मतदारसंघामध्ये ज्यांना आमच्याशी गद्दारी केली त्यांना पुढं सर्व नाशाला सामोरं जावं लागतं अशा पद्धतीचं वक्तव्य केलं आहे। हा रेफरन्स येतो तो शिवसेनेच्या बाबतीत येतो। आत्ता त्या ठिकाणी धैर्यशील मोहिते पाटील आहेत, यांच्यासाठी ते जरी बोलले असेल तरी शिवसेनेच्या बाबतीमध्ये हा रेफरन्स वो खिशाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, जिन्होंने पूरी गद्दारी का नियोजन किया, आज वो जानते हैं वो कलंकित होने वाले हैं। कुछ दिन का समय है और धर्म और अधर्म के बीच में जो अंतर है वो उनकी भाषा में दिख रहा है। हम धर्म का पालन कर रहे हैं, ये वो अधर्मी हैं जिन्होंने सिर्फ पार्टियों के साथ गद्दारियां नहीं की हैं या उनके स्पॉन्सर नहीं किया है, उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी की है। चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं असं म्हणणं आहे की औरंगजेब याकूब यांचा उदो उदो करण्यापेक्षा राम राम करणं कधी पण चांगलं आहे। जो औरंगजेब करता था वो आज की भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो लोग इतना याद मुगलों को करते हैं वो मुगलों के नौकर हैं, और मैं कहूंगी राम राम का नाम लेकर मुगलों का काम करते हैं वो स्पष्ट होता जा रहा है। कैमरामैन अरविंद वारके सह निलेश बुधावले, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।